जेक फ्रेजर के तूफान को रोकना चाहेगी आरसीबी, तो पंत की गैर मौजूदगी में क्या जीत पाएगी दिल्ली? आईपीएल 2024 के मुकाबला नंबर 62 दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2024 में सभी टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस अभी जारी है, ऐसे में दोनों टीमें अपना मुकाबला जीत कर प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को पुख्ता करना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच में से कुल 6 मैच जीते हैं, तो वहीं बेंगलुरु ने अपने 12 मुकाबले में 5 मुकाबले जीते हैं। आईपीएल 2024 में ये दोनों टीमें आपस में पहली बार खेलेगी। दिल्ली के सामने मुसीबतों का अंबार लग गया है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन लगा है। बता दें कि पिछले मुकाबले में स्लो ओवर रेट के कारण पंत पर बैन लगा है। दिल्ली को अगर प्लेऑफ खेलना है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। दिल्ली टीम के सामने चुनौती यह है कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम का कप्तान कौन होगा। आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। आईपीएल में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दिल्ली कैपिटल्स पर भारी रही है। अब तक खेले जा चुके 30 मुकाबलों में से बेंगलोर ने 18 मुकाबले में बाजी मारी है, तो वहीं दिल्ली ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इन दोनों टीमों के बीच कुल 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें बेंगलोर ने 6 मुकाबले जीते हैं और दिल्ली केवल 4 मुकाबले अपने नाम कर पाई है। तो ये मुकाबला भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली और आरसीबी में से कौन इस मुकाबले को जीत पाएगा कि हमेशा की तरह आरसीबी दिल्ली पर फिर से भारी पड़ेगा।